أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب सदा नाजी पहली बात तो ये अर्ज करनी है कि इसमें आए थे सजदा तिलावत हुई है आप हजरात सजदेव को इनशल अदा कर लीजिएगा ये सूर अलग है हजूर अक्रम साल वसलम को जिस वक्त नबूवत नहीं मिली थी उससे कुछ अर्सा पहले हजूर सल्ला वसल्लम खलवत नशीनी को तन्हाई और अकेले में रहने को तरजीह दिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम की ये कैफ़ियत हो गई थी कि आप एक कई कई दिनों का खाना साथ लेकर गार हरा में चले जाते थे और वहाँ आप अकेले तन्हाई में रहकर कर गौर वफिक्र तदब्र व तफ़क् किया करते थे एक लंबे अरसे तक नबूवत से पहले नबूवत मिलने से पहले हज़ूर करम सल्ला वसल्लम का यही मामूल था एक दिन अल्लाह के रसूल सल् वसल्लम उसी तन्हाई में ख़लवत में ग़ौर फिक्र फरमा रहे थे कि हज़रत जब्रईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और हज़रत ज़ब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या मोहम्मद इकरा किए मोहम्मद अलैहि वसल्लम तो पढ़िए आपने फ़रमाया मा बिकारी मैं मैं पढ़ नहीं सकता उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर से अपने सीने से लगाया और छोड़ा फिर, फिर फरमाया या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए आपने फ़रमाया मा ना बिकारी नहीं मैं नहीं पढ़ सकता उन्होंने फिर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और फिर फरमाया मोहम्मद इकरा पढ़िए आपने फिर वही बात फरमाई उन्होंने तीसरी बार फिर बहुत ज़ोर से अपने सीने से लगाया और फिर ये पांच आयतें सूरत की इब्तदाई हज़रत जब्राई अलैहिस्सलाम ने तलावत फ़रमाई इकरा बसम रबिकी खल खलक अल्सान मिन अलक इकरा वब्बल अक्रमजीअम बिलकलम तकरीबन तमाम ही मुका बाज़ हज़रा को छोड़ कर इस पर इतफ़ाक़ है कि ये पाँच आयात सूरत सूरतल की इब्तदाई ये पहली वही है जो अल्लाह के रसूल सल वसम पर नाजिल हुई हुजूर पाक आ सलातम इस सब वाक़े के बाद आप पर एक बड़ी घबराहट और बेचैनी करता है कि अब मैं हलाक हो जाऊँगा मेरी जान चली जाएगी मुझे इतनी घबराहट है हज़रत खदीजा रजील ने बड़ी तसली के क़लिमात उस वक्त बोले फरमाया तसीलर्रहिम व कल व तकरफ़ व मअदूम

और हुजूर हज़ूर पाकलात वसलाम ने पूरा वाकया वहाँ सुनाया कि ऐसा 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 मेरे साथ हुआ है यूँ हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो हज़रत वरक़ा अबिन नौफिल ने यह बात फरमाई कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा और ईसी वसलाम के पास आया था और इसका मतलब आप आखिरी नबी हैं काश के मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब अल्लाह ताली जब आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी तो हजूर सल्ला बड़ी और मैं उस वक्त आपकी मदद करता तो हजूर सल्ला वम्म ने बड़ी हैरत से पूछा था क्या मेरी कौम मुझे मक्के से निकालेगी उन्होंने फरमाया जी हाँ एक वक्त आएगा कि आपकी कौम आपको मक्के से निकालेगी बहरहाल ये सारी तफसील इस इन आयात के पस मंज़र में हदीस की सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में बुखारी शरीफ में ये सारी तफसलत आई हैं कि तो इस इन आयात का ये पस मंजर है शान नजूल है ये क़र मजीद की पहली वही के तौर पर अल्लाह ताला ने ये इब्तदाई पांच आयतें नाजिल फ़रमीं और बाद की आयतें किसी और मौके की हैं किसी और के लिए हैं लेकिन बाद में जब हुजूर पाक अलैहि आसलाम ने अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मंशा के मुताबिक जब सूरतों को तरतीब दिया तो उन बात की आयात को जो बहुत बाद में नाजिल हुई इन्हीं इब्तदाई आयात के साथ जोड़कर इस सूरत की तकमील फरमाई चूंकि इन आयात से इस्लाम की बिल्कुल पहली तालीम और पहले हुक्म का पता चलता है इसलिए इन आयात पर तोजह देने की बहुत सख्त जरूरत है जब कोई भी शख्स कोई नया काम शुरू करता है किसी नए इदारे की नए काम की बुनियाद डालता है तो पहली उम्र को उससे मुतारफ़ कराता है तो वो पूरे अपने प्लान को चंद लफ्ज़ों में उनके सामने रखने की कोशिश करता है पूरी दुनिया में बातिल निज़ाम छाया हुआ है पूरी दुनिया में जहात और जुल्म का दौरे दौरा है पूरी दुनिया में गफलत और खुदा बेजारी का माहौल है हर तरफ़ मक्कारी, धोखाधड़ी और कतल गारत, गारत के दरमियान मुख्तलिफ मजाहिब का नाम लेने वाले लोग हैं उनके मजहब दम तोड़ते जा रहे हैं नबवी तालीमात लोगों की ज़िंदगी से निकल चुकी हैं उस वक्त जब इस्लाम का बिगुल बजना है और इस्लाम का लान होना है और शरीयत इस्लामी को दुनिया के सामने उस पहली तालीम की बड़ी अहमियत है तरह अल्लाह ताला ने इस इस्लाम को इस दीन को लोगों के सामने पेश किया किन अल्फाज को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा चुनानचे अल्लाह ताला ने जो पहली वही अपने महबूब अलैहि वालैहि वसल्लम वा पर उतारी वो फरमाया मोहम्मद अलैहि वसल्लम पढ़िए और है कि कोई अकेले में बैठकर कुछ पढ़े वो भी इकरा है करा है और लोगों के सामने पढ़ने के लिए लोगों के सामने बयान करने के लिए भी कुरान में करा का लफ्ज़ आया है वज़ा करातर जालना बीन का बैन अला बिल आखिरत हिजाब मस्तूरा अल्लाह ताला ने फरमाया जब आप लोगों के सामने पढ़ते हैं कुरान सारी इंसानियत को सुनाते हैं तो हम आपके और उनके दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुकम जो दिया गया वह हुकम इस बात का दिया गया कि इल्म से पढ़ने से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए इल्म का डंका बजा दीजिए जहादालत के अंधेरों से इस इंसानियत को निकालने के लिए पढ़ने की सदा आम कीजिए पूरी इंसानियत के सामने इल्म का और तालीम का एक शोर एक आवाज़ उसकी लगाइए बिस्म रबिकल खलक पढ़ने के तो बहुत से रास्ते हैं और पूरी दुनिया पढ़ रही है आज भी पढ़ रही है उस वक्त भी कुछ पढ़ने वाले रहे होंगे लेकिन सबसे चीज़ होती है पढ़ने के साथ साथ चाहे जो कुछ इंसान पढ़े कि इंसान का पढ़ना उसके परवरदिगार के नाम के साथ होना चाहिए पाक अलैहि हजूर पाकाम से फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए मगर अपने रब के नाम के साथ पढ़िए रब के नाम को भी पढ़ा जाएगा और नाम के साथ दुनिया के वो इलूम जिन्हें हम साइंसी और आसरी कहते हैं अगर वो भी अल्लाह के नाम के साथ जोड़कर पढ़े जाएंगे तो वो पढ़ना भी हमारे लिए अल्लाह के करीब होने का जरिया बन जाएगा इसीलिए कुरान ने ये कुछ नहीं कहा कि क्या पढ़िए याद रखिए कि अल्लाह का नाम साथ में जुड़ाओ यकीन आपके अंदर पेवस्ता हो अल्लाह के नाम से बरकतें हासिल की जा रही हों अल्लाह की तरफ तवज्जो हो अल्लाह की तरफ इस्तेहजार हो उस इस्तेहजार के साथ उस मालिक का नाम लेकर फिर पढ़िए पूरी कायनात को पढ़िए जो कुछ हम आपको दे रहे हैं उसे पढ़िए पढ़ने की चीजें हैं जिनका पढ़ना अल्लाह साथ में जुड़ा होना चाहिए आज दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है वो बड़ा मसला ये नहीं है, ये नहीं है कि तालीम लोगों के पास नहीं है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं अलग अलग किस्म के पढ़ने वाले मौजूद हैं जिनको हम दीनी कहते हैं उन उनमूमू के पढ़ने पढ़ाने वाले भी हैं जिन्हें हम दुनियावी दुनियावीमूम कहते हैं उनके पढ़ने पढ़ाने वाले तो बहुत रात नहीं पढ़ रहे इंसानियत अपने मालिक का नाम भूल गई है पढ़ने और पढ़ाने में जिस तरह अल्लाह का इस्तेजार होना चाहिए था अल्लाह का नाम साथ में जुड़ा होना चाहिए था जिस तरह अल्लाह के नाम से बरकतें हासिल करके पढ़ना चाहिए था वो तरीका हमारी जिंदगियों से निकल चुका है इसमें एक माने तो सीधे सीधे ये हैं कि जब भी इंसान पढ़े अल्लाह का नाम लेकर पढ़े बिस्मिल्लाह करके पढ़े ये तो उसका जाहिर है और जाहिर सिर्फ जाहिर कारामत नहीं होता जाहिर के साथ साथ बातिन भी उसी सिफत पर आना चाहिए जिस तरह जबान से अल्लाह का नाम लेकर इंसान कुरान पढ़ता है बिल्कुल उसी तरह दिल भी अल्लाह अल्लाह के नाम से उस वक्त बरकतें हासिल कर रहा हो दिल में भी इसतजार हो कि ये अल्लाह का कलाम है हदीस पढ़े तो दिल में इसतज़ार हो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का की, के इर्शादात हैं और वो वोलूम पढ़ रहा हो जिनको साइंसी और दुनियावीमूम कहा जाता है तो अल्लाह का नाम उसमें इस तरह जोड़े कि ये सोचे कि अल्लाह की कायनात को सीखने का इल्म है वो बायोलॉजी पढ़े तो इस तरह पढ़े कि मैं अल्लाह ने जिसम में अपनी कुदरत का किस तरह ूर फरमाया है किस तरह अपनी कुदरत का अपनी कुदरत का शाहकार इंसानों के जिसम में रखा जानवरों के जिसम में रखा पेड़ पौधों में रखा मैं उस अल्लाह की कुदरत को सीखने के लिए उस अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए उस अल्लाह की कुदरत को देख कर इंसानियत को उस मालिक की ताकत से आगाह कराने के लिए मैं ये आलूम पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब उसका बायोलॉजी का पढ़ना बिसम रब्बिक उसने अपने रब के नाम के साथ पढ़ा अपने रब की ताकत को पहचानने के लिए पढ़ा अपने रब की ताकत और मारिफत, अपने रब की ताकत की मारिफत हासिल करने के लिए पढ़ा अपने मालिक की सन्नाई और उसकी खलाकी और उसकी कुदरत पर गौर फिक्र के लिए पढ़ा उसने जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो उसने ये सोचा कि के मैं केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं देखूँ कि किस तरह अल्लाह ने ये मुख्तलिफ एटम्स बनाए ये मुख्तलिफ़ की चीज़ें बनाई जिनकी अलग अलग खासियतें हैं जिनकी अलग 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 क्वालिटीज़ हैं और उसके साथ एच के हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिलता है तो पानी बन जाता है ये किस तरह अल्लाह ने पूरी कायनात में निज़ाम चला दिया किस तरह अल्लाह ताला ने ये ये कर दिया कि सोडियम मिलता है और क्लोराइड मिलता है तो नमक बन जाता है ये पूरी केमिस्ट्री इस इन, इस इस मौजू से भरी पड़ी कि अल्लाह ताला, ताला ने जो कायनात में अलग अलग चीज़ें रखी हैं जब उन चीज़ों में से बास चीजों को जोड़ा जाता है तो एक नई चीज़ वजूद में आ जाती है मैं देखूँ कि ये मेरे मालिक की कैसी कुदरत है क्योंकि हाइड्रोजन बनाने वाला भी वही है और ऑक्सीजन बनाने वाला भी वही है और सोडियम बनाने वाला भी वही है और क्लोराइड बनाने वाला भी वही है और बड़े लंबे लंबे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते हैं बड़े लंबे लंबे, लंबे फार्मूले होते हैं एक एक फार्मूला जो बहुत याद कराया जाता है फिटकरी का गालिबा बड़ा लंबा फार्मूला के टू एस ओ फोर एस टू एस ओ तो जहन से निकल गया तमाम चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती हैं तो फिटकरी बन जाती है तो ये अल्लाह की कुदरत को पहचानना कि इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ कर अल्लाह ताला ने एक नई चीज़ वजूद में इंसान ले के आया इन सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन है और फिर इसको इस तरह जब जोड़ा जाता है तो किस तरह एक नई चीज़ वजूद में आती है ये मेरा पढ़ना अगर इस जज्बे से होगा कि मैं ये देखूँ अल्लाह की कुदरत को मैं अल्लाह की ताकत और कुदरत का कुछ मुशाहिदा कर सकूं कुछ मेरा ज़हन देखे कि मेरा अल्लाह कितना ताकतवर है कितना जबरदस्त है तो इंसान का यह इल्म पढ़ना और पढ़ाना भी उसके लिए इबादत बन जाएगा खोल कर बैठे और जब वो देखे लाइट की स्पीड को और वो देखे कि रोशनी की जो स्पीड है उस कितनी तेजी के साथ वन लाइट ईयर एक सेकंड में तीन लाख चार लाख किलोमीटर का सफर लाइट तय करती है और वो देखे कि किस तरह हवा का दबाव ऐसे होता है तो चीज़ें नीचे आती हैं चीज़ें उल्टी क्यों नहीं जाती तमाम तमाम मौजूद भरे पड़े हैं जब इंसान वो चीज़ पढ़ता है तब उसके उसका जहन इस तरफ जाए कि मेरे मालिक ने किस तरह इस कायन का निज़ाम बनाया ऊपर की चीज़ें नीचे किस तरह आ रही हैं और किस तरह ये ज़मीन अपने अपने मदार में घूम रही है पूरा मौजू इज से भरा हुआ है जो मैग्नेट्स है वो कितने काम की चीज़ है और लोहा कितने काम की चीज़ है और इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और बिजली किस तरह बनाई जा सकती है और बिजली में प्लस और माइनस और क्या और क्या तमाम तरह की चीज़ें जिनसे फिज़िक्स का चैप्टर भरा हुआ है कि हम जब इसको पढ़ें तो सोचें कि आखिर इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला कौन है कौन है वो जिसने बिजली के अंदर ये ताकत रखी कौन है जिसने वेव्स बनाई रेजेस बनाई कि इंसान का अल्ट्रासाउंड हो रहा है इंसान का स्कैन हो रहा है एक मशीन ऊपर से गुजार दी गई और उसके अंदर से वेव्स निकली रेजेस निकली और उसने अंदर से जाकर पूरा अंदर जो कुछ है सब खेच के लाकर बाहर उसको प्रिंट कर दिया ये रेजेस किसने बनाई और किसने इंसानों को ये सलाहियत दी कि इन रेजिस का इस्तेमाल करके पूरे जिस्म की रिपोर्ट इंसान हासिल कर लेता है कौन है वो जिसने इंसानों को यह अकल दी और ऐसी ऐस ऐसी चीज़ें पैदा की कि जब उनमें रगड़ पैदा होती है और उनमें पेट्रोल डालकर उनको घुमाया जाता है तो आप देखते हैं पानी के जो बड़े बड़े डैम होते हैं वहां किस तरह पानी को गिराकर और उसके उस उससे जो एक प्रेशर बनता है उस प्रेशर से जनरेटर में बिजली पैदा की जाती है और वो बिजली फिर पूरे सूबे में और शहरों में सप्लाई होती है ये ताकत पानी में किसने रखी और फिर ये अकल इंसानों को किसने दी कि इस तरह बिजली पैदा की जाए और किस तरह बिजली को तारों में दौड़ाया जाए और किस तरह उस बिजली का सहारा लेकर तेज रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएं। ये पूरी पूरी साइंस और पूरी ज्योग्राफी जब इंसान लेकर बैठे और नक्शे पर गौर करे तो देखें मेरे अल्लाह ने किस तरह ये देखो पहाड़ बनाया और किस तरह इधर पहाड़ इस तरह के बनाए और वो इधर की ज़मीन को संभाले हैं इधर पहाड़ इस तरह के बनाए वहाँ के मौसम के अतबार से फिर पानी को ऐसे फैलाया यहाँ से झरने निकाले यहाँ से नदियाँ निकाली हवाओं का प्रेशर ऐसा और बादलों का चलने का निज़ाम ऐसा ये पूरा कायनत का जो ज्योग्राफी निजाम है एक एक निजाम इंसान को अल्लाह की तरफ खींचे अल्लाह की तरफ बुलाए उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता चला जाए रोजाना वो अपनी क्लास अटेंड करके आए और उसका दिल उसका ईमान बढ़ जाए कि आज तो मैंने अपने अल्लाह की कुदरत के नए नए नमूने देखे और अपने अल्लाह की कुदरत के नए नए तस्करे सुने अगर इन जज्बात के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे तो ये सब पढ़ना भी एक बसम रबिक अपने रब के नाम के साथ जोड़कर पढ़ो जो पढ़ो अल्लाह की ताकत पहचानने के लिए पढ़ो अल्लाह को समझने और अल्लाह की ताकत और कुदरत का इस्तेहजार दिल में पैदा करने के लिए पढ़ो तो ये पढ़ना तुम्हारे लिए इबादत बनता चला जाए और जाहिर है कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना और फिकह पढ़ना और शरीयत पढ़ना ये तो सबसे बुलंद वाला चीज़ है ये तो वो इल्म है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ़ से उतरा हजूर पाक आसलातु वसलाम ने जिसकी तालीम दी और जो अहादीस में और कुरान मजीद में भरा पड़ा है इसका पढ़ना तो कदम कदम पर इंसान को अफजलियत अता करता है बरकत अता करता है रहमत अता करता है लेकिन इसके पढ़ने और पढ़ाने में भी अल्लाह का नाम अगर नहीं जुड़ा होगा नीयत में फसाद होगा दिल में जबान से भले ही दस मरतबा बिसमिल्ला आदमी कहे लेकिन दिल में अगर अल्लाह की मारफत के लिए अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने के लिए खलूस के साथ अगर ये पढ़ना पढ़ाना नहीं होगा तो ये भी फिर बिसम रब्बिक नहीं है अपने रब के नाम के साथ उसने जोड़ कर नहीं पढ़ा बल्कि उसने अपनी जतीी ख्वाहिशात के लिए अपने नाम व नमूद के लिए अपना पैसा कमाने के लिए अपने मुख्तलिफ अगराज को पूरा करने के लिए पढ़ा है इससे फिर अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी बल्कि ये तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएगा तो पहली बुनियादी बात यह है कि इस्लाम ने अपने ताली अपने निज़ाम को जब बर्पा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तालीमात का बिगुल बजाया तो पहली आवाज ये लगाई थी कि इकरा पढ़ो पढ़ने का माहौल बनाओ आज आज ये उम्मत किस तरह दुनिया के इंसानों को ये बताए किस तरह दुनिया के इंसानों के सामने ये बात कहे कि हमारी तो इस्लाम का और तालीम का आगाज ही इस बात से हुआ है पढ़ो 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 हम खुद जहालत को पसंद करने लगे हमारे अंदर खुद इल्म का शौक खत्म हो गया है हमारे अंदर खुद सीखने सिखाने का जज्बा खत्म हो गया है ना हम खुद पढ़ते हैं ना अपनी नस्लों को पढ़ाना चाहते हैं ना अपनी औलादों को पढ़ाना चाहते हैं किसी भी लिहाज से हम पढ़ने पढ़ाने के माहौल को आम करना ही नहीं चाहते ना कुरान हम सीखना चाहते हैं ना अदीस हम सीखना चाहते हैं ना फिका हम सीखना चाहते हैं ना शरीयत का ज़रूरी और फ़र्ज इल्म लेने के बाद हम उन उनम को हासिल करना चाहते हैं अल्लाह की मारिफत के लिए अल्लाह की ताकत को पहचानने के लिए इंसानियत की खिदमत के लिए जिन जिनूम को हासिल करना भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के लिए ज़रूरी है फ़र्ज़ एक किफ़ाया के दर्जे में है कि अच्छे मुसलमान डॉक्टर्स हों अच्छे मुसलमान इंजीनियर्स हों अच्छे मुसलमान वकला हों अच्छे मुसलमान जजज़ हों अच्छे मुसलमान पॉलिटिक्स के माहरीन हों अच्छे मुसलमान माशियात और इकनॉमिक्स के माहरीन हों अच्छे मुसलमान जो दुनिया के तल्लुक बैन अवी मुल्की तल्लु होते हैं फॉरेन अफेयरस होते हैं उसके अच्छे माहरीन हों अच्छे मुस्लिम जर्नलिस्ट हों अच्छे मुस्लिम एंकर्स हों ये दुनिया में मुसलमानों की एक जरूरत है एक अच्छी तादाद का इन जरूरतों को पूरा करना फ़र्ज किफ़ाया के दर्जे में है यह बात बड़े बड़े ने लिखी है लेकिन हम मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान और हदीस तो न जाने कब का छोड़ दिया और उसके साथ साथ हमने वो सब रास्ते भी छोड़ दिए जिन रास्तों पर चलकर हम दुनिया के एतबार से अपनी लोगों की खिदमत कर सकते थे अल्लाह की कुदरत के नए नए नमूने हर दिन हमारे सामने आते हम हर से पीछे होते चले गए हर से बैकवर्ड होते चले गए जिसके नतीजे में आज हमारे पास कुछ नहीं दीन का जरूरी इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान औरत मर्द पर फर्ज आयन है हलाल और हराम का जानना तो हर मुसलमान मर्द और, और औरत के लिए जरूरी है और उसके बाद फिर इंसान की अपनी चॉइस है किसी का किसी की तबीयत अगर इन आलूम में लगती है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ कुरान पाक से है हदीस मुबारक से है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से है तो जहे नसीब बहुत मुबारक वो आलिम बने वो मुहदस बने वो मुफसर बने वो फ़कीह बने वो सीरत का माहिर बने वो इस्लामी का कालमबरदार बने ये तो बहुत अफजल बहुत आला और बहुत मुबारक अमल है लेकिन दीन का ज़रूरी इल्म हासिल करने के बाद अगर किसी की तबीयत इन इनमू में लगती है जिनको लोग साइंस के कहते लोग स्कूल कॉलेज़ के कहते तो अगर वो अल्लाह की मारफत के साथ लोगों की खदमत के लिए नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात के साथ नेक तमन्नाओं और नेक इरादों के साथ बुलंद अज़ैम के साथ वो उन उनम को हासिल करता है वो 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 डॉक्टर बनता है वो इंजीनियर बनता है वो वकील बनता है वो साइंस का माहिर बनता है वो साइंटिस्ट बनता है वो इकोनॉमिक्स का माहिर बनता है वो एक अच्छा सीए बनता है वो एक किसी भी अपने प्रोफेशन का माहिर बनता है और उसकी नीयत पाक है उसकी नीयत इंसानियत की खिदमत की है उसकी नीयत अल्लाह की कुदरत और ताकत में गौर व फिक्र की है तो उसका ये पढ़ना और पढ़ाना भी और वो पढ़ते हुए अपने आप को हराम कामों से रोकता है और फ़राइज की पाबंदी करता है तो उसका वो पढ़ना और पढ़ाना भी उसको अल्लाह के करीब कर देगा उसको अल्लाह का वली बना देगा उसको बहुत आगे के दराजात और मंजिलों तक पहुँचा देगा लेकिन हमने और आपने हर एतबार से पढ़ने पढ़ाने के माहौल को ही खत्म कर रखा है इस्लाम की तो बुनियाद ही इकरा पर है इस्लाम ने तो अपनी तालीम का आगाज ही इकरा से किया है पढ़ो सब कुछ पढ़ो बस याद रखो बिस्म रब्बिक अपने रब के नाम को साथ में लेकर पढ़ो अल्लाह को भूल कर मत पढ़ना अल्लाह को नाराज करके मत पढ़ना अल्लाह से रूगर्दानी करके मत पढ़ना अल्लाह को नाराज करके मत पढ़ना अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर मत पढ़ना अल्लाह के अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ बेवफाई करके मत पढ़ना बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर पढ़ना अल्लाह के वफादार बंदे बनकर पढ़ना अल्लाह के मती और फरमाबरदार बंदे बनकर पढ़ना और फिर जो कुछ तुम्हें पढ़ना है पढ़ते चले जाओ और आगे तक पढ़ो टॉप क्लास तक पढ़ो हर पढ़ाई में बिल्कुल टॉप करो ये तकाज़ा है ये जरूरत है इस वक्त जो सूरत हाल हमने और आपने अरसे से हम देख रहे हैं और पिछले कुछ अरसों में देखी कि आप भी हमारी आंखें नहीं खुली क्या आप भी हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि कितनी सख्त जरूरत है कि अच्छे मुस्लिम डॉक्टर्स हमारे दरमियान हो एक मुस्लिम पैथोलॉजी एक मुस्लिम एक्सरे सेंटर एक मुस्लिम अल्ट्रासाउंड सेंटर एक मुस्लिम सी स्कैन सेंटर कहीं ना हो कितना कितने उसके बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो आप माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं समझ सकते हैं मुस्लिम डॉक्टर्स वजूद में आए कितनी सख्त ज़रूरत है कि अच्छे इंजीनियर अच्छे वकील अच्छे जजेस अच्छे लिखने वाले अच्छे बोलने वाले अच्छे पढ़ने वाले हमारे दरमियान हो हमारी कौम की भरपूर तर्जुमानी हो और अगर हमारे अंदर सलाहियत होगी हमारे अंदर लियाकत होगी तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इसलिए पहला पहला आजम तो कि हम और आप सब खुद अपने लिए भी और अपनी नस्ल इसलिए पहला बुनियादी काम तो ये है आप उसी के मुकाबले जिनको गालियाँ देते हैं उनके यहाँ देखिए उनका बाप बूढ़ा होकर और सड़क पर फेरी लगाकर चने बेचकर गुजारा करेगा रिक्शा चलाएगा और फिर वो उससे पूछो कि आपके बच्चे कि नहीं मैंने तो बच्चों को अभी सबको मैंने पढ़ाई में लगा रखा है कोई फला डिग्री हासिल कर रहा है मैं नहीं पढ़ पाया मेरी बदनसीबी थी लेकिन जिनमें आगे बढ़ने की सलाहियत होती है जिनमें आगे बढ़ने की लियाकत होती है हम हर तरह की सलाहियत में पीछे रहें हम हर तरह के तालीमी मैदान में पीछे होते चले जाएं और फिर हम सोचें कि हमको कयादत और सियादत का मनसब दिया जाए तो ये बाहर मुमकिन नहीं इसलिए दीन का ज़रूरी इल्म बुनियादी इल्म और हलाल दर्जे में इससे तो कोई बच ही नहीं सकता करता हो कुछ भी करता हो ज़रूरी इल्म तो दीन का हासिल करना सब पर फर्ज़ है सब पर फर्ज है कि हर शख्स को मालूम हो हलाल क्या है और हराम क्या है अल्लाह ने किन बातों का हुक्म दिया किन बातों से रोका दसियों बीसियों पचासियों किताबें हर जबान में ऐसी मौजूद हैं जो हमको दीन का अगर उन किताबों को हम पढ़ लें और उन किताबों के को हासिल करना है और उस जरूरी इल्म के बाद दीन के उस जरूरी इल के बाद फिर अपनी च्वाइस देखें अपने बच्चों की अपने भाइयों की अपने छोटों की चॉइस देखें अगर उनके अंदर जज्बा है कुरान सीखने का हदीस पढ़ने का मुफसर बनने का आलिम और मुफ्ती बनने का तो अच्छी तरह उनको उस लाइन में आगे बढ़ाएं और अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो और खूब आगे तक पढ़वाएं और जितनी मेहनत से पढ़ तहज़ीब का पढ़ने और पढ़ाने से हमारी तालीम की इब्तदा है लेकिन फरमाया बसम रबिक खलक अपने रब के नाम के साथ पढ़िए वो रब जिसने आपको पैदा किया जिसने सबको ये अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि किसको पैदा किया फरमाया जिसने पैदा किया जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया जमीनों को आसमानों को जिसने पैदा किया समंदरों को हवाओं को सहराओं को को लाखों करोड़ों मखलूक इस कायनात में है जिस मालिक ने सारी काय काएना, सारी कायनात को पैदा किया उस मालिक के नाम के साथ पढ़िए इसमें यह भी इशारा मौजूद है कि अल्लाह के पैदा करने की सिफत का बयान हुआ है गोया वोलूम भी पढ़िए जिसमें अल्लाह की तख्लीक का पढ़िए जिसमें अल्लाह ने ये जो कायनात तख्लीक है इस कायनात में अल्लाह की कुदरत निकल निकल कर सामने आए इस कायनात में अल्लाह की ताकत और कुदरत के मुशाहिदात हों और इंसानों की अकल में ये बात उतरती चली जाए कि इतनी वेल, वेल प्लान और इतनी बेहतरीन और इतनी शानदार और इतनी मुनज़म कायनात बग़ैर किसी खालिक बगैर किसी क्रिएटर के वजूद में आ ही नहीं सकती और फिर इंसान इस निगाह से नाम वैसे तो उस मालिक ने पूरी कायनात बनाई है लेकिन एक अफजल तरीन चीज़ का हम तस्करा करते हैं उस पूरी कायनात में सबसे अफजल इंसान है फरमाया वो मालिक जिसने खलकान अमिन इंसान को बनाया जमे खून के जमे हुए लोथड़े से। इंसान की इब्तदा के मराहल बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं मिट्टी और मिट्टी से गजा और गजा से नुतफा और नुतफे से फिर खून बहता हुआ और फिर जमा हुआ और फिर उसके बाद उस पर हड्डियां और गोश्त और आगे के मरल गोया जमा हुआ, हुआ खून जो है ये बिल्कुल बीच का मरहला है उसका तस्करा किया ताकि उसके पहले का और उसके बाद का सब कुछ उसके अंदर आ जाए ने इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा की उस मालिक के नाम के साथ पढ़िए जिसने इंसान कुछ न था और इंसान को पैदा कर दिया उसकी ताकत देखिए उस मालिक की कुदरत देखिए उस मालिक की बादशाहत देखिए उस मालिक के सिफत खलाकियत पर गौर कीजिए कि एक जरा से कतरे से उस मालिक ने किस तरह यह हसीन और जमीर और खूबसूरत इंसान बना दिया अल्लाह की पहचानिए उस मालिक के क्रिएशन पर गौर करके उस क्रिएटर की ताकत को पहचानिए आर्ट को देखकर आर्टिस्ट के हुनर का पता चलता है आर्ट को देखकर आर्टिस्ट के हुनर का पता चलता है खूबसूरत तरीन आर्ट जब होती है तो ये देखने वाला आर्ट को देखकर बता देता है कि इसका आर्टिस्ट बड़े कमाल का है इसका आर्ट ये असल आर्ट का कमाल नहीं है ये तो आर्टिस्ट का कमाल है जिसने इतनी खूबसूरत आर्ट बनाई है अल्लाह की इस कायनात और अल्लाह की ये पूरी तखलीक और ये पूरा यूनिवर्स ये इसीलिए है कि इस कायनात में गौर करके ये अल्लाह की आर्ट है इस आर्ट में गौर करके उस आर्टिस्ट की ताकत को पहचाना जाए इस क्रिएशन में गौर करके उस क्रिएटर की ताकत को पहचाना जाए कि जिसने इतना ज़बरदस्त सूरज बनाया वो खुद कितना ताकतवर होगा जिसने गैलेक्सीज बनाई जिसने सैारे बनाए जिसने कहकशाएँ बनाई जिसने आसमान बनाया बगैर बग़ैर किसी सुतून के बग़ैर किसी पिलर के उसने आसमान को तान दिया जिसने ज़मीन बनाई और ज़मीन इस तरह बनाई कि यह अपने मदार में भी घूमती है जिससे रात और दिन हो घूमती है जिससे महीने होते और कुरान में उन सब का तफसीली तस्करा मौजूद है जिस मालिक ने पहाड़ कहाँ बनाने चाहिए वहीं बनाए और नहरें और नदियाँ कहाँ गिरानी चाहिए वहीं गिराई समंदर जहाँ होने चाहिए वहीं बनाए जिसने इंसानी जिसम में हर उज्व को उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह पर बनाया इंसान खाना जब खाता है हाथ से उठाता है हाथ छूते ही पता लगा लेगा खाना सख्त है नाम के साथ पढ़ना कि जितना अल्लाह की तखलीक में हम गौर करेंगे यह सोचकर कि जब तखलीक इतनी जबरदस्त है तो खालिक कितना जबरदस्त होगा जब क्रिएशन इतना अजीम शान है तो क्रिएटर कितना जबरदस्त होगा जब बनने वाली चीज इतनी अजीम शान है तो बनाने वाला मालिक कितना जबरदस्त होगा जितना इस इसतजार के साथ हम साइंस पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे दुनिया के दीगर ओलूम पढ़ेंगे अल्लाह की कुदरत में गौर फिक्र करेंगे जिसकी दावत कुरान देता है कुरान कहता है खलक समावती वर्यातिल्बाब जमीन और आसमान की तखलीक में निशानियां हैं रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं तुम गौर क्यों नहीं करते कुरान दावत देता है शहद को कहा फरमाया अल्लाह ने शहद की मक्खी किस किस तरह शहद लेकर आती है निशानियां हैं उसमें पानी के उतरने में निशानियां हैं नहरों के बहने में निशानियां हैं अब जब इंसान गौर करे शहद की मक्खी पर गौर करे कौन है वो अल्लाह वही मक्खी जो दूसरी है जो हमारे घरों में रहती है हर गंदगी पर बैठती है लेकिन एक दूसरी मक्खी है उसका क्या निज़ाम है जाकर फूलों पर ही बैठेगी जाकर फलों पर ही बैठेगी और रस लेकर आएगी और एक छत्ते में खास जगह पर डाल देगी कौन है जिसने उसको यह सब सिखाया ऐसे ही नहीं अल्लाह ने कहा कि शहद के अंदर अल्लाह की निशानियां मौजूद है पानी के बरसने में अल्लाह की निशानियां मौजूद है किस तरह सूरत पर किस तरह समंदर पर सूरत की उस गर्मी से समंदर में से भाप उठती है और वो भाप ऊपर जाकर बादलों की शक्ल लेती है और किस तरह बादल फिर सफर तय करते हैं और फिर कब जाकर बादल बरसने के काबिल होते हैं और फिर कितनी स्पीड से बरसते हैं और ज़मीन पर आते आते कितने कम हो जाते हैं इसलिए कहा गया कि पानी के बरसने में अल्लाह की निशानी है अब जब इंसान जियोग्राफी पढ़ता है और इन सब चीज़ों पर गौर करता है तो क्या बताओ अल्लाह पर उसका ईमान बढ़ता नहीं चला जाएगा एक कदम पर उसको 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 समझ में आएगा एग्रीकल्चर साइंस लोग पढ़ते हैं उनको सिर्फ इतना बता दिया जाता है फला जगह की जमीन में फला चीज ज्यादा उगेगी उसके आगे की बात वो नहीं करते क्योंकि उनका इलाहाद पर दम तोड़ता है उनसे पूछो ये कैसे हो गया कौन है वो हम तो ज़मीन में एक बीज डालते हैं ये कैसे पूरा पेड़ निकल आता है हम तो जमीन में एक दाना डालते हैं ये कैसे एक दरख्त निकल आता है ऐसा क्यों नहीं होता कि हम दाना डालें पपीते का और पेड़ निकल आए आम का ये क्या निज़ाम है कि जो चीज़ हम डालते हैं और कहीं पर वही चीज़ ज़्यादा आती है कहीं पर वो चीज़ कम आती है ये जमीन का अलग अलग मिजाज किसने रखा है और ये जमीन का अलग अलग मिजाज किसने बनाया है कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है जब उनसे ये पूछो तो या तो उनकी ज़बाने वो खामोश हो जाएंगे जवाब नहीं दे पाएंगे या उनको आखिर में जाकर इकरार करना पड़ेगा कि इसके पीछे जो ताकत है वो एक ही कोई ताकत है जिसने ये सारा सिस्टम बनाया है वरना हमारी इंसानी अकल समझ ही नहीं सकती कि इतना सिस्टम के साथ सब कुछ कैसे हो रहा है अल्लाह अकबर बसमिकलकान अमिन खून के लोथड़े से अल्लाह ने इंसान को बना दी निन्यानवे फ़ीसद इंसान दुनिया में आता है एक फ़ीसद इंसान ऐसे होते हैं जो या कुछ कम कुछ ज़्यादा जिनके जिसम में कोई कम रह गया हो या ज़्यादा हो गया हो और वो ख़ास कुछ बीमारियों की वजह से होता है वरना आप देखें एक ही तरह का इंसान उस छोटी सी जगह में अल्लाह ताला बना रहे कोई कोई देखने वाला नहीं है उस उसी कैफियत में उसी प्रेगनेंसी में एक औरत चल रही है फिर रही है अपने काम कर रही है लेट रही है उठ रही है बैठ रही है और अंदर ही अंदर वो सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से चल रहा है और हर आने वाला बच्चा एक नई शक्ल के साथ आ रहा है एक नए चेहरे के साथ आ रहा है एक नए मिजाज के साथ आ रहा है और नया चेहरा और नया मिजाज तो छोड़िए साइंस बताती है और सबको मानना पड़ता है कि उंगली के पोर भी हर एक के अलग अलग होते हैं ये क्या अल्लाह की कुदरत नहीं है कि एक उतनी सी जगह में अल्लाह ताला करोड़ा करोड़ इंसान पैदा हो रहे हैं खरबों इंसान अब तक आ गए और हर एक की उंगली के ये जो पोर है और इनमें जो निशान है ये लाइनें भी हर इंसान की अलग अलग है ये दुनिया की सबसे बड़ी पहचान है फिंगरप्रिंट जिसके आंखों के रेटिना हर इंसान का अलग अलग है आपकी और सबकी बायोमेट्रिक जब होती है फिंगर भी लिए जाते हैं रेटिना भी लिया जाता है तो बगैर किसी मालिक के ये सब हो रहा है कौन है जो उतनी सी जगह में एक एक बच्चे को इस तरह से बना रहा है कि उसकी उंगली के पोर तक अलग अलग है खल अकल इंसान अमीन अलग गौर करो इंसान की तखलीक पर की कुदरत एक एक चीज़ में समझ में आएगी अल्लाह ने फरमा दिया था सन रिह आयात नाफिल आफा की वफ़ी अनफु रही हम इस यूनिवर्स में और खुद उनकी ज़ात में उनको अपनी बहुत सी निशानियाँ दिखाएं। लेकिन गौर तो करें लोग गौर तो करें अकल तो लगाएं तफक् तो करें तदब्बर तो करें फिर फरमायाबल अक्रम पढ़ो और याद रखो तुम्हारा रब बहुत करीम है बहुत गर्म फरमाने वाला है म बिलकलम अल्लाह के करम का तजकरा है और फौरन तालीम की बात है कि तुम्हारा रब बड़ा करीम है वही रब जिसने तुम्हें कलम के जरिए से सिखाया कलम के जरिए से इल्म दिया यानी अल्लाह के करम में से एक बड़ा करम यह है कि उस मालिक ने हम इंसानों को इल्म की दौलत अता फरमाई और इल्म को अल्लाह ने कलम के साथ जोड़ा है कलम बड़ी बाबरकत चीज़ है मुफसरीन ने लिखा है कि जो चार चीजें या चंद चीजें अल्लाह ताला ने खुद बनाई बाकी सारी चीजें तो अल्लाह ताला, ताला ने कहा कुन बन जा और वो बन गई लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला, ताला ने खुद बनाया जिनमें एक अरश है दूसरा हजरत आदम सलाम है और एक चीज और है वो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही और चौथी चीज जिसे अल्लाह ने खुद बनाया वो कलम है और तीन तरह के कलम का किताबों में तस्करा है एक वो कलम है जो अल्लाह ताला ने बनाया और उससे कहा लिखो और फिर उसने पूरी कायनात की तकदीर लिख दी वो अल्लाह का बनाया हुआ कलम था और एक वो कलम है जो अल्लाह ने फरिश्तों को अता फरमाया जो कुछ अल्लाह ताला बताते हैं कि आइंदा सालों में आइंदा वक्त में ये होना है जो मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था वो फरिश्ते उस कलम के जरिए लिखते हैं और तीसरा कलम वो है जो अल्लाह ने इंसानों को अता किया जो लिखने लिखाने का जरिया है ये इंसानों के अंदर इल्म के बाकी रहने और इल्म के फैलने और इल्म के आम होने का सबसे बड़ा जरिया यह कलम ऐसी चीज है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की और कसम है जो चीज लिखी जा रही है उसकी अल्लाह के कलम के तस्करे के बाद कलम का और इल्म का तस्करा यह बताता है कि इल्म के साथ जुड़ जाना और इल्म का शौक पैदा हो जाना और कलम से यानी इल्म से मुनासिबत का हो जाना यह अल्लाह का खास फजलों हुजूर पाक अलैहि सलातूसम ने पढ़ने पढ़ाने और सीखने और इल्म की जो फजीलत बयान फरमाई लेकिन हुजूर पाक आसलातू वसलाम के साथ खुद अल्लाह तला का यह खास मामला था कि ज़ाहरी एतबार से लिखना और पढ़ना जिसे कहते हैं वो हुजूर पाक आ सलातूलम को नहीं आता था और आप आ सलात सलाम उम्मीद थे और ये नाउज़बिल्ला हुजूर का कोई नक्स नहीं था बल्कि ये तो हजूर आल सलातूसम के लिए कमाल की चीज़ थी अगर आपलात साम दुनिया में जाहिरी एतबार से लिखना और पढ़ना जानते होते तो ये कहने को होता कुफ्फ़ार मश्रकिन को कि इनकी अपनी कुछ नहीं है ये कहीं से ले जाकर पढ़ लेते हैं यहाँ ला लिख देते हैं हजूर पाक सलातूसम जाहिर अतबार से लिखना और पढ़ना नहीं जानते मगर उसके बावजूद अल्लाह के रसूल आ सलातुसम की ज़ुबान मुबारक से वो कीमती जवाहिर वो कीमती इल्म और हकमत की बातें निकली कि कायनात के बड़े बड़े फिलासफर और कायनात के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और कायनात के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सब आपके सामने सरे तस्लीम खम कर गए और सब ने घुटने टेक दिए कि ये नबी उम्मी इसका इल्म इसकी हमत इसकी दानाई इसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज तो इल्म का ख़जाना है इल्म का समंदर है और ज़ाहरी एतबार से ये हमें किसी का शागिर्द भी बना नज़र नहीं आता यकीनन ये सब इसको खुदा तला की तरफ से मिला है दुनिया में इनका तो कोई उस्ताद है ही नहीं ये तो किसी के सामने शागिद बनकर बैठे नहीं फिर ये सब कहां से आया फिर ऐसा इल्म फिर ऐसी हिकमत की बातें फिर ऐसा इल्म का खजाना फिर ऐसा इल्म का लहरें मारता हुआ मौजे मारता हुआ समंदर के एक एक लफ्ज के अंदर हजार हजार इल्म और हिकमत की बातें हैं ये बगैर अल्लाह की तौफीक और बगैर अल्लाह की तरफ से उतारे उनके सीने पर उतारे गए इल्म के बगैर मुमकिन नहीं जबान ऐसी कि अरब के बड़े बड़े शायर बड़े बड़े लिखने पढ़ने वाले हाथ जोड़ गए कि ऐसा कलाम तो हम सुन ही नहीं सकते हमने सुना ही नहीं आज तक जो कलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं जो जाहिर ए दुनिया में किसी के शागिद भी नहीं बने तो ये हुजूर पाक अलैहि सलातु वाम के साथ तो अल्लाह ताला का खुसूसी मामला था लेकिन हुजूर पाक अलैहि सलातूलम ने खुद अपनी जमात में किताबों में लिखा है चालीस ऐसे अफराद जिस वक्त हजूर अक्रम सलाम को नबूवत मिली चंद अफराद थे कहा जाता है बारह तेरह लोग थे पूरे मक्के में जिनको लिखना आता था और पढ़ना आता था सिर्फ बारह तेरह लोग पूरे मक्के में लेकिन अल्लाह के रसूल आ सलात वाम जिस वक्त दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी सहाबा की जमात में चालीस लोग तो वो थे जो सिर्फ कुरान पाक की वही लिखा करते थे जिनसे हजूर पाक कुरान लिखवाते थे वही लिखवाते थे इतना आपने पढ़ने पढ़ाने का माहौल अपने अपने सहाबाकर रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान कायम फरमा दिया था तो फरमाया गयािए मोहम्मद सल्ला पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है जिसने इंसान को कलम के जरिए से सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था इस बात में बाद मुफसरीन कहते हैं कि हज़रत आदम आ मुराद है क्योंकि हज़रत आदम आलाम को जब अल्लाह बनाया तो फरमाया वम आदमा अकुल्ल हमने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए हर चीज़ का नाम ये ये है ये चीज़ है कलम है कापी है जो भी अल्लाह ताली ने सिखाया हर चीज़ के नाम अल्लाह ने सिखा दिए

और इसमें भी कोई शक नहीं हजूर पाक आ सलात सलाम पर तमाम अल्लाह की तरफ से नाजिल अल्लाह ने आपको का बहरे बेकर बना दिया अल्लाह ने आपको का समंदर बना दिया अल्लाह तला ने आपको तमाम अवलिन और आखरीन जो इंसान हैं बशर हैं अम्बिया हैं उनके तमाम अल्लाह तला ने हजूर पाक आलतम को आता फरमा दिए तो ये हजूर पाक सलात सलाम के लिए भी खास हो सकता है और ये आम इंसानों के लिए भी है इंसान कि हम और आप जैसे आम लोग जो इल्म से ना आशना थे दुनिया में जब आए अल्लाह ने फरमाया वूनी शै तुम जिस वक्त दुनिया में आए तो तुम इस हाल में आए कि तुम कुछ नहीं जानते थे फिर अल्लाह ने इसी कलम के जरिए किताबों के जरिए साजा के जरिए ने इल्म दिया सिखाया, न जाने कितनी बातें हम सीख गए हम हम ये समझते हैं कि सिर्फ कॉपी किताब हम सीखें हमने हज़ारों लोगों के नाम सीख लिए हमने हजारों चीज़ों के नाम सीख लिए हमें सैकड़ों ट्रेनों के नाम याद हमें सैकड़ों मोहल्लों के नाम याद हमें हज़ारों लाखों चीज़ों के नाम याद ये सोफ़ा है ये दरवाज़ा है ये लाइट है ये पंखा है ये टोपी है स्वेटर है ये कुर्ता है ये माइक है ये मोबाइल है क्या ये इल्म नहीं है क्या हमें चीज़ों के नाम मालूम है या इल्म नहीं है हम लाखों चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सोच भी नहीं पाते लेकिन वो हमारे जहन में मौजूद है उसका इल्म हमको है हम देखते हैं किसी को ये अब्बा हैं ये अम्मी हैं ये चचा है ये चच्ची हैं ये खाला है ये खालू हैं ये किसने सिखाया किसने ये दिमाग दिया जो ये बातें जहन में बैठी किसने ये कान दिए जिसके ज़रिए ये बातें अंदर उतरी किसने ये आंखें दी जिसके ज़रिए ये मनाजिर हमने देखे ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से सिखाने का एक निज़ाम है अल्लाह की तरफ से सिखाने का एक पूरा सिस्टम है उसी को अल्लाह ने फरमाया मालम मा हमने इंसानों को वो सिखाया जो ये इंसान नहीं जानता था ये की इब्तदाई पाँच आयात हैं जिसमें हजूर पाकलाम को पहली वही जो अल्लाह ताली ने भेजी और पहला पैगाम जो हजूर पाकसलाम पर नाजिल हुआ वो इल्म से मुतल था अल्लाह की सिफ़त खलक़ीत से मुतल था और इस बात से मुतलक़ था कि हमें पढ़ना चाहिए और ख़ूब पढ़ना चाहिए और पढ़ने का माहौल बनाना चाहिए और पढ़ना चाहिए पूरी इंसानियत के सामने अल्लाह की कुदरत पूरी इंसानियत के सामने हम बयान करें कुरान पूरी इंसानियत को हम सुनाएं और अल्लाह की सिफत खलाक़ियत में गौर करें अपने अनफस में अपनी जान में गौर करें अपने जिसम में गौर करें अल्लाह की कायनात में गौर करें दुनिया के वो वहमूम जिन्हें साइंसी कहा जाता है उन उनमूम को भी पढ़ें तो बिसम रबिक खलक के इस्तजार के साथ पढ़ें अल्लाह के तवज्जो के साथ पढ़ें अल्लाह की मार्फ के लिए पढ़ें अल्लाह की ताकत को पहचानने के लिए पढ़ें और इंसानियत की खदमत के लिए पढ़ें और कुरान और और हदीस इस्लामी जैसे मुबारक सब्जेक्ट्स पढ़ें तो यह भी अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ें जब हमारे हर इल्म के साथ और हमारे हर इकरा के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा होगा अल्लाह की रजा जुड़ी होगी अल्लाह की मारिफत जुड़ी होगी तो फिर अल्लाह का फजल करम हमारे ऊपर होगा हम जितना ज़्यादा अपने को पढ़ने में आगे रखेंगे और पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाएंगे इन उतना ज़्यादा नबुवत का वो जो पहला पैगाम है उससे हम जुड़ते चले जाएंगे उससे हम उससे उस उस लड़ी में हम अपने आप को पिरो लेंगे और एक बेहतरीन माहौल बनता चला जाएगा इसलिए मेरी आप सबसे ये आज गुजारिश है कि एक तो खुद अपने लिए अपने तमाम घर के छोटों बड़ों मर्दों औरतों के लिए पहली चीज तो यह तय कीजिए कि दीन का जो जरूरी इल्म है वो सबको पढ़ाएंगे इन हलाल हर शख्स हाफिज बने हर एक आलिम बने हर एक मुफ्ती बने यह जरूरी नहीं है यह हो भी नहीं सकता लेकिन दीन का जरूरी इल्म हर एक को आना चाहिए अल्लाह कौन है रसूल कौन है कुरान क्या है हलाल और हराम क्या है ये हर एक के लिए लाजमी इससे कोई नहीं बच सकता और इसके बाद फिर हम देखें क्या जिसका माहौल है और क्या किसकी चॉइस है और क्या किसका शौक है अगर वो इन इनूम की तरफ जाता है तो इन इनूम में आगे तक भेजें वो बहुत अच्छा मुहदस मुफसर फ़कीर तारीख़ इस्लामी का जानने वाला सीरत नगार बने बहुत मुबारक बहुत बाबरकत और वो स्कूली पढ़ाई पर जाता है तो वो इन इस, इस के साथ जिसको कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की गई वो बेहतरीन पढ़ाई खूब आगे तक करता चला जाए बस हर वक्त ये याद रहे मैं अल्लाह का बंदा हूँ मैं रसूल सल्ला व् का उम्मती हूँ इन शो बयात हैं जो एक पूरे अलग वाक़े पर मुश्तमिल हैं, उसकी अगली हाज़िरी के मौके पर वो अर्ज़ की जाएँगी तारीख़ ज़रा बता दें इनशा अगले महीने का दूसरा और तीसरा दोशंबा हाँ। इक्कीस अट्ठाईस दिसंबर, इनशा इक्कीस और अट्ठाईस दिसंबर में अगला अगले दर्स होंगे दुआ करना अल्लाह शिक्रकुल्लू अलहानी सनाई अनबिलहमदन कमायन बगी जलाम सल्तानिक्ल वसल वबारक अल नबीना وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشائخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفعنا بالقران العظيم، اللهم انفعنا بالقران العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القران لنا ربيع قلوبنا व नूर सदूरना व जलाज़ानीना वज़ह बहमूमिना व गुमिना या रब आलमीन एल्ला हम बहुत ख़ाकार कसूरवार हैं हमारी गलतियों को माफ़ फरमा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा हम पर अपना खसूस फ़ल्ल व करम और रम फरमा एल्ला कुरान मजीद की इस नशिस्त को कबूल फरमा इस मजलिस में हाजिर होने वालों को कबूल फरमा एल्ला जितने लोग इस दर से कुरान में मौजूद हैं एल्ला अपने फ़जल करम से उन सब को कुरान की बरकतों से माला माल फरमा कुरान का नूर हम सब के दिलों में पैदा फरमा कुरान से त्ल्लुक़ पैदा फरमा कुरान की दावत को पूरी दुनिया में लेकर चलने की तोफ़ी में नसीब फरमा एल्ला हर जगह अपनी किताब अपनी किताब के तजकरे बुलंद करवा दीजिए मस्जिद मस्जिद कुरान के दर्स का माहौल कायम फरमा दीजिए एक एक उम्मती के दिल में एल अल्लाह कुरान सीखने और सिखाने का शौक पैदा कर दीजिए ये इतनी अज़ीमशान किताब आपने हिदायत नामे के तौर पर नाजिल की लेकिन इस उम्मत इस मुसलमान कौम को क्या हो गया हर चीज़ में अपने मसाइल का हल ढूंढती है लेकिन आपके कलाम की तरफ मुतवज्जे नहीं होती ए अल्लाह हम सबको कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फ़रमा कुरान पाक से जुड़ने और कुरान पाक से चिमटने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हम सब की दुनियावी उलझनों और परेशानियों को भी दूर फरमा अल्लाह बुरे वक्त से और बुरे हालात से हिफाजत फरमा बुरे वक्त से और बुरे हालात से हिफाजत फरमा अल्लाह वबाई अमराज से हिफाजत फरमा हर तरह की बीमारियों तकलीफ़ों परेशानियों से हिफाज़त फरमा ए अल्लाह ग़रीबों पर मजलूमों पर रहम फरमा अल्लाह गरीबों पर मज़लूमों पर खुसूसी रहम फरमा अल्लाह जो रज़ की तंगियों से परेशान हैं अल्लाह अपने फ़जल करम से उनको वसैत वाली बाबरकत रोज़ी नसीब फरमा अल्लाह जो रज़ की तंगी से परेशान हैं उन्हें वसैत वाली बाबरकत हलाल रोज़ी नसीब फरमा जो कर्ज़ों के बोझ से परेशान हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा जो अपनी या अपने अजा व अकारब की बीमारियों से परेशान है अल्लाह उनको उनके अयजा अकारीब को सेहत कामिला आजिला मशतम रहदायमा नसीब फरमा एल अल्लाह इस्पतलों और डॉक्टरों का महताज बनने से महफूज फरमा अस्पतालों और डॉक्टरों का महताज बनने से महफूज फरमा अस्पतालों और डॉक्टरों का महताज बनने से महफूज फरमा ए लाला हादसात से हिफाजत फरमा हादसात से हिफाज़त फरमा अचानक मौत से हिफाज़त फरमा एल्ला हर तरफ़ से खैर और आफियत और सलामती और बरकतें और रहमतें हम को हमारे घर वालों को नसीब फरमा एल्ला हमारे दादा दादी हमारे इनकी उम्रों में खूब बरकत नसीब फरमा सेहत और आफ़ियत और सलामती वाली ख़ूब लम्बी अमरें अने नसीब फरमा हमारे तमाम अहल खाना घर वालों को अहलआयाल को सेहत और आफ़ियत और सलामती वाली लम्बी ज़िंदियाँ नसीब फरमा हमको भी बरकतों से रहमतों से नमतों से मालामाल फरमा अल्लाह हमारे जितने मतलकन हैं मोहब्बत करने वाले हैं ताल्लुक रखने वाले हैं उनको और उनके तमाम घर वालों को ए अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा बरकतों और रहमतों और नमतों से मालामाल फरमा या अल्ला दरस कुरान की जो नशस्तें होती हैं अल्लाह अपने क्रम से एक एक नशस्त को कबूल फरमा हमारी नजात और मग़रत का ज़रिया फरमा ए अल्लाह ए अल्लाह रिया से और किब्र से अपने करम से आफियत के साथ मुकम्मल हिफाजत फरमा या अल्लाह हमारे दिल में जितनी दुआएं हैं अपनी रहमत से एक एक दुआ को कबूल फ़रमा आप हमारी दुआओं को तमन्नाओं को आर्ज़ुओं और मुरादों को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीक़े पर जानते हैं या अल्लाह अपने फ़जलो करम से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा और तकबल मन्ना समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين